नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप जो है स्वाध्याय 1.5 तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम देखें 2 माइनस रूट फाइव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 2 माइनस रूट फाइव जो दिया हुआ है उसमें ये क्या है, इट इज़ द सबस्ट्रेक ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इट इज अ सबस्ट्रेक ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर सो इट इज अ इरेशनल, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि ये 2 माइनस रूट फाइव दिया हुआ है, 2 क्या होता है रैशनल नंबर्स होते हैं और 5 क्या है इरेशनल होता है, इन दोनों का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही फाइंड होगा। ओके, सेकंड 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें, 3 में हमें लिखा है 2 अपॉन रूट 7 देन रूट 7। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए इसको अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, 2 अपॉन 7 रूट 7 से रूट 7 कट हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा 2 अपॉन 7, कितना आया 2 अपॉन 7। सो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो देखिए 1 अपॉन रूट 2 में जो नॉमिनेटर्स हैं वो क्या है, रैशनल है, 1 इज रैशनल, देन डिनोमिनेटर रूट 2 इज इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल का अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सो इट इज अ इरेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई। तो देखिए इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, रैशनल कौन सा नंबर होगा, 2
एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सा होगा फ्रेंड्स? पाई. सो इट इज अ, सो हम इस तरह से लिखेंगे, टू पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर वन. अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू पर. क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया हुआ है और हमें बोला गया है सिंप्लीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ओके, सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन पे हम देखते हैं, 3 + √3 देन 2 + √2, 3 + √3 एंड 2 + √2 सिंप्लीफाई. इसका आंसर हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स. इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखिए आप. सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, 2 + √2 देन √3 2 + √2. ओके, मल्टीप्लाई करते समय हम ध्यान रखेंगे 3 × 2 = 6, ठीक है. यहाँ पर आ जाएगा 3 √2, रूट थ्री का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 √3 देन √3 एंड √3 जो लाइक टर्म्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6. ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ. और ये लाइक टर्म्स नहीं है इसलिए प्लस मत करना, 3 + 5 मत करना, क्योंकि यहाँ रूट टू है और यहाँ रूट थ्री है. सो इट इज़ अवर आंसर. सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है 3 + √3 3 - √3. ओके, 3 + √3 देन 3 - √3. यहाँ पर हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड भी है सॉल्व करने का. तो फ्रेंड्स हम दोनों मेथड यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले 3 - √3 + √3 3 - √3. 3 × 3 = कितना होता है 9 माइनस 3 √3 प्लस रूट थ्री का 3 से करेंगे तो 3 √3 3 × 3 = 9 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट नाइन. ओके, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कट जाएंगे, 9 का रूट होता है फ्रेंड्स 3, सो आवर आंसर इज 6. ओके, चलिए इसकी दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ. और इसी सम को हम दूसरे मेथड से करते हैं, आइडेंटिटीज़ का उपयोग करके. आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सेकंड सम को मैं फिर से कर रहा हूँ, 3 + √3 देन 3 - √3. यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटीज़ होगी, आपको ध्यान होगा a + b एंड a - b. अगर आइडेंटिटीज़ हमारे पास में है तो हम क्या करते हैं, a² - b² ओके. देखिए सिर्फ साइन का चेंज हो और दोनों सेम टू सेम हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, साइन माइनस की होगी, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - √3. ओके, 3 होता है फ्रेंड्स 9, रूट 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, √9. सो 9 - 3 = 6. तो देखिए
कोई भी मेथड से आप करिए, दोनों मेथड आपकी राइट है, ओके। और दोनों मेथड में हमारा सेम आंसर हमें मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर थ्री पे तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया है रूट फाइव प्लस रूट टू स्क्वायर। इसे भी हम दो मेथड से करेंगे फ्रेंड्स, आपको दोनों मेथड समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर आएगा रूट फाइव प्लस रूट टू स्क्वायर लगाए हम टू टाइम इसे लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब रूट फाइव का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे, रूट फाइव प्लस रूट टू, फिर इस रूट टू का मल्टीप्लाई भी इसी ब्रैकेट से करेंगे, प्लस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू, ओके। तो यहाँ हो जाएगा रूट फाइव एंड रूट फाइव रूट ट्वेंटी फाइव, फाइव टू ज़ा टेन रूट टेन, टू फाइव ज़ा टेन रूट टेन, रूट टू एंड रूट टू रूट फोर, ओके। 25 का रूट हम करते हैं कितना आता है फ्रेंड्स, 5, 10 और 10 लाइक टर्म्स हैं, तो 1 एंड 1 कितना हुआ 2, तो 2 रूट 10। देन रूट 4 का रूट करेंगे कितना आएगा 2, सो आवर आंसर 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10, ओके फ्रेंड्स। चलिए इसका दूसरा मेथड भी हम देख लें। इसका दूसरा मेथड है आइडेंटिटीज पे डिपेंड करता है, तो यहाँ आएगा थर्ड नंबर रूट फाइव रूट टू का स्क्वायर। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटीज होगी, तो हम आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख लेते हैं। हम आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो फॉर्मूला में आएगा मिडिल टर्म के अंदर, और जो दोनों टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है तो सभी साइन किसकी होंगी, प्लस की होंगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे